मेरी बहना की शादी हो गई। सुनो गांव वालों, मेरी बहना की शादी हो गई। मैंने उसका कन्यादान कर दिया। मैंने सत्यानाश हो गया नीन का। पिछले 5 साल से यही सपना देख रहा है तू। रोज सुबह चिल्ला कर उठा है, मेरे बहन की शादी हो गई, मैंने कन्यादान कर दिया। जरा आंखें फाड़ कर देख, तेरी बहन मेहंदी तेरे सामने खड़ी है। तू मेरा दोस्त होकर कभी तो मेरे जैसे सपने देखा कर, कभी तो नींद से उठकर बोल। आज करिश्मा कपूर मिल गई, ऐश्वर्या राय से टकराया, या फिर माधुरी ने मटके खरीद लिए। अरे ओ मंडी के पुजारी, तेरे लिए बेचना और खरीदना सब कुछ होगा, लेकिन मेरे लिए जो कुछ भी है मेरी बहना है। नमक वाला, नमक वाला, नमक वाला। अरे ओ नमक वाला, नमक देके जाना। कितना नमक चाहिए? अरे बोलो बाबा, कितना नमक चाहिए? 2 किलो देना। अरे छोटा पैसा है ना? अरे छोटा पैसा है ना? अरे हाँ हाँ है, तू दे दे। कमाल है, पूछो यहां से जवाब आता वहां से। तो गूंगी है क्या? क्या बोला तू? क्या बोला? क्यों भर रहे? मेरी बहन को गूंगी बोला? क्या बोला तू? मुझे माफ कर, केशव, मुझे माफ कर। क्या बोला तू? हट जा, मेरी बहन को गूंगी बोला? केशव क्या कर रहा है तू? केशव आज के बाद तुझे यहाँ देखा तो मार डालूंगा। केशव, केशव पागल हो गया है तू? छोड़। केशव क्या कर रहा है तू? किस किस को मारेगा? कब तक मारेगा? इस सच्चाई को तू मानता क्यों नहीं कि भगवान ने तेरी बहन को गूंगी बनाया है? भागता हूँ, वरना नमक वाले का बचा कुचा मुझे खाना पड़ेगा। कैसन भूरा खनाड़ी के हाथ पड़ गए, सोना को माटी बनाई के रख दिया। अच्छा हुआ परलोक सिधार गए। के का सुबह सुबह कोस रही हो माँ? जो हमार नसीब फोड़ गए तोरे स्वर्गीय बापू। धन्य है पिताजी को स्वर्गीय तो कहा। हम तो अपना धर्म निभा रहे हैं। पू ब्याह से पहले 72 वादा किए थे हमरे बापू के साथ। अटनी पर निभाते तो जानती मैं। नारानी बनाए के रखा, ना बादाम काजू का हलवा खिलाया। 30 महल के बदले झोपड़िया दी, ताने को सूखी रोटी और ढोने को ये माटी। माटी ढोना तो हमरा खानदानी काम है माँ, बाप दादा के बाद हमने किया।
और अब तो हाँ नाती पोता करेंगे। नाती पोता? लाजो, तू अपना काम कर रही है या केसों को देखे जा रही है? देखना मैं घर जा रही हूँ, खबरदार नजर माटी पर ही होनी चाहिए, समझे? अच्छी तरह गुन्ना। फिकर मत करो माँ, आज तो माटी गूंध ही लूंगी। अरे ओ जुल्मी बेअसर, यहाँ तो लोग बिना पत्थर के ही घायल हो जाते हैं और हमने तुझ पे दो दो पत्थर फेंके, कम से कम हम पे नाराज तो हो। हाँ, ताकि तू हमेशा के लिए मेरे सामने खड़ी हो जाए और कहे कि बस मुझे देखता रहे। बेकार चीजों को देखने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। क्या कहा, हम बेकार चीज हैं? अरे तूने अभी हमें अच्छी तरह देखा ही कहा है, ये देख सोने से ज्यादा चमक है हमारे बदन में। अब मुझे अपना काम करने दे, वरना शाम तक मंडी में माल भेजना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा ये बता, तू घोड़ी चढ़ेगा? अरे अरे केशव भैया काय की बकबकी में पड़े हो, वहाँ तो हर घोड़ा भागा जा रहा है। अरे तो क्या हुआ केशव, तू हमारे कौन से जन्म का दुश्मन है, तेरे कारण आज भी केशव हाथ से निकल गया। अरे तो क्या हुआ, हमारा हाथ वा थाम लो ना। अच्छा अरे हम हाथ मिला के बोले, तुम माटी में मिला दिया। बापू अपने घर में चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे हट रे, ये तो हक है मेरा। दुनिया में कौन सा ऐसा बेटा है जिसकी कमाई पर बाप का अधिकार नहीं? अधिकार से ज्यादा की जरूरत तुम्हारी आदत बन चुकी है, और मेरे पास फालतू पैसे नहीं है तुम्हारी शराब और जुए में उड़ाने के लिए। तो क्या मुझ पे एहसान करता है? जितनी तेरी उम्र है ना, उससे कई ढेरों बार मरा हूं तुझे और उस गुंगी को पालने के लिए। एक सौ रुपए दे। 100 पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें। ठीक है मत दे, चोरी करने के लिए गांव में और बहुत सारे घर हैं, पकड़ा गया ना तो बदनामी होगी और चोर का बेटा कहलाएगा तू, और उस गुंगी की शादी भी नहीं होगी। जा, हाँ मत दे, जा, ए, जा। सिकलाल, अरे शुद्ध शाकाहारी कैसा है तू? ब्याज पकड़ के 1380 रुपए होते हैं। हाँ। ये तो 100 गए, अब बच्चे 1280 रुपए, ये तो मैं लेके जा रहा हूँ। ये क्या कर रहे है यार, भूखे को खाना मत दे, नंगे के कपड़े फाड़ दे, लेकिन कभी किसी बेवड़े की दारू मत छीनना, वरना मालूम है क्या होगा? क्या होगा? भगवान तेरे को भी बेवड़ा बना देगा। ची, 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 ची। कैसी बद्दुआ दे रहा है तू? लेकिन तू मेरे पैसे कब लौटाएगा? लौटाना तो मैं आज ही चाहता था, लेकिन क्या करूं, शहर जाने के लिए 300 रुपए का खर्चा है और मेरे पास सिर्फ 100 रुपए है। मतलब तू ये 100 रुपए से दारू नहीं पिएगा, चूहा नहीं खेलेगा? लेकिन तू मुझे 200 रुपए देगा ना? 200? नहीं। अरे यार, तेरे जैसा मूर्ख व्यापारी मैंने कभी देखा ही नहीं, जो 200 रुपए के लिए 1380 रुपए का दान कर दे। 200, 1380 यानी 1580? नहीं नहीं, ये 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 लो 200 रुपए। मैं 200 रुपए के लिए 1380 रुपया नहीं दान कर सकता। लेकिन लेकिन तू शहर से वापस आएगा ना? हाँ? पैसे लाएगा ना? हाँ? मेरे पैसे लौटाएगा ना? हाँ? मैं... लेकिन अगर तू और सवाल करेगा ना तो समझ ले तेरे पैसे आ जाओ। तू मेरे पीछे आएगा, मुझसे सवाल करेगा नहीं, मुझसे पैसे मांगेगा नहीं।
1500। पप्पू ये तो और दोस्त ले गया। केशव केशव दरवाजा खोल। केशव हाँ केशव। अरे मेहंदी कितनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में। केशव कहाँ है? अभी तक नहीं आया। अरे मैं चुन्नू का बाराती बनकर उसका ब्याह करके लौट आया और ये उधार की वसूली करके अभी तक नहीं आया। अच्छा एक बात बता, बापू किधर है? बापू बापू किधर है? वो भी नहीं आया। मतलब मेरे ये 200 रुपये भी गए। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं नाचूंगा गाऊंगा ऐश करूंगा। दिना दिन था, दिना दिन था, दिना दिन था। मेहंदी दिना दिन था। मेहंदी दिना दिन था, दिना दिन था। लगता है आज तू बारातियों के साथ कच्ची पी के आया है। अरे कच्ची पी कर नहीं, पक्की करके आया हूँ। क्या शादी? किसकी? मेरे यार केशव की। क्या? हाँ पूर्वा गांव के सखा जी की बेटी है। उन्होंने कहा उन्हें केशव बहुत पसंद है। 2 हफ्तों में जवाब मांगा केशव। अब तो शादी हो गई, अब तो शादी हो गई, अब तो शादी हो गई, अब तो शादी हो गई। इसने बोला और तू मान गई। एक बात अच्छी तरह से सुन ले, तुझसे पहले मेरी कोई शादी वादी नहीं होगी। मैंने कह दिया ना, ना मतलब ना। क्या हो गया? ए, ए मेहंदी। अरे अरे मेहंदी, ले 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 ले। पता है मेहंदी तू अभी कैसी लग रही? वही 5 साल वाली तुतलाती गुड़िया। कंधे पे ना बिठाऊं तो मुंह भुला के बैठ जाती। देख मेहंदी जिद मत कर। तू क्या चाहती है? मैं मां को दिया वचन तोड़ दूं? मैंने मां को वचन दिया था कि जब तक तेरी शादी नहीं होगी मैं शादी नहीं करूंगा। तू एक काम कर, 2 हफ्तों में मेहंदी की शादी कर दे। मेहंदी जाएगी तेरी भी शादी हो जाएगी, है ना? ऊंचे अकल की बात है ना, ऊंचे अकल की बात। अरे तू क्या समझता है मैं अपनी बहन की शादी किसी भी ऐसे वैसे के साथ कर दूंगा? अरे ये तो मेरी आंख का तारा है, इसके लिए तो मैं चांद से भी खूबसूरत राजकुमार लेकर आऊंगा। बहुत अच्छी भाभी हाथ से निकल जाएगी, है ना? अरे लड़कियों की कमी है क्या? एक बार मेरी प्यारी बहना को डोली में बिठा दूं, फिर देखना तेरे लिए ऐसी भाभी लाऊंगा कि पूरा गांव ही नहीं सारी दुनिया दंग रह जाएगी। दिखाई नहीं देता? अरे क्या घोड़े की तरह आदमी का पुतला उठाए खड़े हो? अरे आंखें तुम्हारे पास भी है, तुम देख के नहीं चल सकते? कहाँ के रहने वाले हो? अरे ये तो हमारा केशव है। अरे कहाँ, इस बनमानुष को अपने केशव के साथ जोड़ रही हूँ। अरे कहाँ वो, कहाँ ये? तेली का चौथा बेटा। हाँ, बचरंगी अपनी लुगाई के लिए साड़ी लेकर गया था, अभी तक पैसे नहीं दिए। ये बचरंगी नहीं है, दिमाग लगा कर देखो मेरी तरह। बचरंगी यहाँ खड़ा है पैसे लेकर। ओफो आपकी भूलने की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ला पैसा, चल भाग भाग भाग। माफ करना केशव बेटे, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। वैसे तो वो मेरी बेटी जानकी है, 2 दिन पहले ही अपने मामा के यहाँ से आई है। चल अंदर चल। एक घोड़ा बनाने में 1 हफ्ता लग जाएगा, तब तक आप लोग इंतजार कर सकते हैं तो ठीक है,
नहीं तो किसी और कुम्हार से खरीद लीजिए। देखो केशव भैया, ये नजर की बात है, एक नजर जो भा जाता है वही अच्छा लगता है। यही बात तो हम भी इसे समझाना चाहते हैं। पिछली एकादशी पे आपके हाथ से बने हुए घोड़े खरीदे थे, ऐसे बिके के पूछो मत। हम तो बेमोल इसके हाथ बिकना चाहते हैं, कठोर खरीदता ही नहीं। जी क्या सोच रही है? केशव हमसे ब्याह कब करेगा? जब भी तू बोल दे। हम तो कई बार बोल चुके, वही मुआ घोड़ी नहीं चढ़ता। वो घोड़ी नहीं चढ़ता तो तू घोड़े पे चढ़ के उसके घर पहुंच जा। ना बाबा, बहुत गरम दिमाग है। एक बात कहूं? हाँ। उसका दिमाग ठंडा करना है तो उसके बाप की जेब गरम कर दे। वो तो खानदानी चोट्टा और शराबी है, हम तो उसकी सूरत भी नहीं देखना पसंद करते। सूरत तो हमरे केशव की है, हमरा बस चले तो हम तो जिंदगी भर ताकते ही रहे। मैं चोट्टा, मैं शराबी। ये लो बयाना, एक हफ्ते के बाद में घोड़े लेकर आ जाना। नमस्ते। अरे ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे, ऊपर वाला दुखी। केशव बेटा, तुझे देख के बड़ा दुख होता है मुझे। कितनी उम्र हो गई तेरी, मैंने तेरे ब्याह के बारे में कभी सोचा ही नहीं। शाम की दारू का बंदोबस्त नहीं हुआ शायद? अरे बेटा, बंदोबस्त तो मैं तेरी घर गृहस्थी बसाने का करना चाहता हूँ। बड़ी सुंदर लड़की देख के आया हूँ बेटा, सोचता हूँ शगुन आज ही ले जाऊं। ज्यादा नहीं, 200 रुपए में काम हो जाएगा। पापू, मेरी तरह मेहंदी भी तेरी औलाद है, तू उसका बाप तो ना बन सका, मुझे उसका भाई तो रहने दे। जब तक मेहंदी की शादी नहीं होगी, मैं अपनी शादी के बारे में कभी सोचूंगा भी नहीं। असम हैदराबाद के नवाबों की, अरे जोड़ी मोल हैदराबादी का दफ्तर तो धड़ल्ले से चल रही है भाई। अरे कुंवर लाल नाम तुम्हारा है, आई और कुंवरच मैं बैठा हूं भाई। क्या हो, पिछले 3 वर्षों से तुम्हें मेरे वास्ते लड़की तलाश कर रहे मियां, क्या गुल्ली डंडा खेल रहे? अरे देखो न को तरसाओ मेरे को, जोड़ियां मैं बनाता हूं और मैं जोड़ी से भूखा बैठा हूं। अब देखो एक काम करो मियां, जाको एक अच्छी सी लड़की 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 अरे मिल क्या जाएंगी, हमारा तो खानदानी काम है ना। बाबा के बाबा भी यज करते चले आए थे, अब जोड़ी मल हैदराबादी के होते हुए तुम ना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब रखो फोन मियां। हाँ। देखा, अच्छी लड़की के वास्ते इनू कैसा मस्का मार रहे थे मेरे को। आई अपे भी क्या इधर शादी के वास्ते लड़की के लिए आए मियां। जी मेरी एक छोटी सी बहन है मेहंदी। ऐसा, तस्वीर है क्या उसकी तुम्हारे पास? जी नहीं। नहीं है। उम्र कितनी होगी? 18 साल पूरे हो गए, एकदम गुड़िया लगती है और घर गृहस्थी के सभी काम जानती है। नको नको नको, उसके हुनर गिनवाने की कोई जरूरत नहीं मियां, उसकी कमियां बताओ। नाराज मत हो पाशा, वो क्या है ना, इधर शादी के लिए जो भी आता उसमें कोई ना कोई कमी जरूर होती, तुम्हारी बहन में क्या कमी है भाई। जी वो बोल नहीं सकती। बरोबर समझ गया भाई, दूल्हा खरीदना है, पूंजी मुंजी है तुम्हारे पास कुछ? मेरा कहने का मतलब है भाई, बहन के लिए जहेज वहेज तो दोगे ना? अब थोड़ा बहुत है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मेरी बहन के वास्ते उसकी सुख के लिए मैं बिक भी सकता हूँ। कसम हैदराबाद के नवाबों की, ये बात हुई ना बादशाह, अब देखना तुम्हारी बहन के लिए कैसा पोटा ढूंढ कर लाता हूँ, पूरा का पूरा गांव देखता रह जाएगा। अब जाको जल्दी से अपनी बहन की एक तस्वीर का इंतजाम करो मियां। जी हाँ।
एक मिनट रुको। मुझे नहीं, कैमरा की तरफ देखो। हाँ ऐसे हंसना है, ठीक है? बस फिकर मत करो मेरे पाशा, 100% ही तुम्हारा काम हो जाएगा। कहाँ जा रही है? ओ रंगबाने, जा। मेहंदी, आज तू घर का काम कर ले, मैं जाता हूं। बहुत दूर है ना इसलिए। हाँ मुझे मालूम है तू हमेशा जाती है, लेकिन आज मैं ये वो। भी है की बच्ची, नाम मेहंदी और काम मिर्ची का कर रही है। Thank you.
अरे केशव, अरे केशव तूने ये क्या कर डाला? अरे कुम्हार तो मटकियां बनाने के लिए मशहूर होते हैं, ये तोड़ने वाला कुम्हार मैंने पहली बार देखा। मैंने भी पहली बार देखा। नमस्ते बड़े बाबू, कैसे नाना हुआ? तीरथ तेरे घर तीरथ यात्रा करने नहीं, अपना कर्जा वापस लेने आया है। बेटे को दुबई भेजने के बाद तू तो अंडे सेने वाली मुर्गी बन गई है, ना ही तीरथ को दर्शन देने आती है और ना ही 20,000 में से 20 नया पैसा लौटाने आई। अरे कितने दिन हुए तेरे बेटे को दुबई जाके? बस 2 साल बड़े बाबू। 2 साल नहीं, 24 महीने, ब्याज महीनों के हिसाब से बढ़ता है, समझी? हमारे बेटा बिरजू आते ही हम आपका कर्जा चुका देंगे बड़े बाबू। देख तारा, सीधी और सरल बात, मैंने कर्जा तेरे बेटे के भरोसे नहीं, इस घर के भरोसे दिया था। अगर आने वाली एकादशी तक मेरा रुपया मुझे नहीं लौटाया तो ये घर मेरे कब्जे में हो जाएगा, समझी? चलो। मेहंदी, मैं खुली मंडी जा रहा हूं, खाना खा लेना, तुझे कुछ चाहिए? किस रंग की? लाल रंग। ठीक है, बहुत अच्छा रंग है। मेहंदी, आसमान देखती रहना, बारिश का अंदेशा हो तो सारे बर्तन अंदर रख लेना। बेटा मैं बहुत अभागा हूँ, कभी तेरे किसी काम नहीं आया, मगर आज से मैं सुधर गया हूँ, कसम से कहता हूँ। कल रात तुम्हारी माँ सपने में बोली, मेरे बेटे का ख्याल रखा करो जी, इसीलिए तुम आराम करो, मंडी में जाकर आता हूँ। बापू, मटकी के बचते ही कच्ची और पक्की का पता चल जाता है, अब ये ढोंग कहीं और जाके बेच। बेटा मुझे मालूम है तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि तुम पुण्य के बहुत काम करते हो, मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाकर मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। बेटा 100 रुपए दे देना। अब ये मत बोलना कि मैं अपनी औकात पर आ गया हूँ, जो कुछ भी हूँ आखिर मैं तेरा बाप हूँ। बेटा दे दे। चल ढोलक। हाँ भैया। अरे बेटा इतना निर्दयी मत बन मेरे बच्चे, 100 रुपए नहीं तो 50 रुपए दे दे। देख बेटा, मुझे जोशी ने कहा है एक दिन ऐसा आएगा जब मैं ढेर सारे नोट अपने हाथों से बांटूंगा, उस दिन तू मेरे से ब्याज समेत ले लेना। बेटा दे दे। नीच आदमी, तू मुझे पैसे नहीं देता, जिसने तुझे मटकी बेचने लायक बनाया तू उसे पैसे नहीं देता, आज देख मैं सारी मटकियां तोड़ दूंगा। मैं एक मटका नहीं छोड़ूंगा। ये देख, ये चाल हट, कहां से पैदा हो गई तू मनहूस? मेरे हिस्से के पैसे तेरे लिए वो जमा करता है, तेरी वजह से मैं पाई पाई को तरसता हूँ। हट जा, हट जा, मैं कहता हूँ चल जा तू यहाँ से। अरे वाह, पूरे 24 घंटे के बाद गांधी जी के दर्शन हुए। बेटा मैं कितना गलत आदमी हूं, मैंने तुझे क्या कुछ नहीं कहा, कितना पापी हूं मैं बेटा। अरे रुक 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 रुक, कहाँ हुआ केशव भैया? एक काम याद आ गया, तू मंडी जा, मैं आता हूँ, जा। अच्छा चल जा। सात आठ नौ दस, हाँ जा रख दे। शंभू दूध वाले। अरे अरे सुना है तेरी भैंस को निमोनिया हो गया, अब उसका इलाज करवाना छोड़कर तू मेरी खोज में चला आया।
अरे महीना खत्म होके दो दिन ऊपर चढ़े हैं, तुम्हारे पैसे लेके क्या भाग जाऊंगा मैं? जी अच्छा, रुक, रुक 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 रुक, अब आ ही गया है तो अपने पैसे लेते जा। ले ले, तू भी क्या याद करेगा। ले। सुनिए मूलचंद जी, रंग वाले, अरे कल ही तो रंग के पैसे लेके गया था ना, आज फिर टपक पड़ा। देखिए आपका बटुआ। जी तुम्हारे पास कैसे? चोर 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 चोर, आपने मुझे दिया था। चोर चोर चोर, अरे अरे अरे, ये क्या फटेबाज की तरह चिल्ला रहे हो? अरे ये तो हमारा केशव है। केशव? हाँ। मैंने तुझे पहचाना ही नहीं। जीते रहो जीते रहो जीते रहो बेटा, अरे भगवान तुम्हारा घर बटुओं से भर दे। हाँ? जा। केशव अपनी साड़ी वापस लेने आए हो? जी। हेरो मैं अभी लाई। रहे हो केशव बेटा? जी साड़ी साड़ी। ये दिया ले जाओ। चलो तो बोटी बोटी कर देगा तेरी। लगा दो ताला घर पे, और जब तक पैसा नहीं मिलता तब तक ये माँ बेटी मेरे पास गिर भी रहेंगी। चल बोटी बोटी करेंगी, बोटी बोटी। चल चल। Thank you.
कल आकर अपना कर्जा ले जाना। चल भाग। केशव बेटा, तूने हमको बचा लिया। आओ आओ बेटे। केशव बेटा, तुहार बड़ी मेहरबानी, तूने हमारा कर्जा चुका के बड़ा उपकार किया। ये रुपया मैंने मेहंदी की शादी के लिए जमा किया था, मेरी बहन की शादी के वक्त जरूर लौटा देना। ना बेटा, तू चिंता मत कर, हम अपना घर भेज देंगे, मेहंदी का ब्याह नहीं रुकेगा। माँ जी, माँ जी, तो आज चिट्ठी आई है दुबई से। भैया की चिट्ठी। प्यारी माँ प्रणाम। मैं यहाँ ठीक से हूँ, किसी बात की फिक्र नहीं करना, अगले महीने आ रहा हूँ। आते ही तीरथ का पैसा चुका दूंगा। और हाँ, लाजू के लिए एक लड़का देख कर रखना, मेरे लिए भी अपनी बहू पसंद कर लेना। आते ही शादी कर लूंगा तुम्हारा बिरजू। देखा केशव, हमारा बिरजू आ रहा है, पैसे की चिंता बिल्कुल ना कर। ठीक है। बस एक आधी बोतल की जुगाड़ हो जाए। केशव बेटा, केशव, केशव नहीं है। अरे वाह, ऐसा लगता है राजा भरत का जमाना रसिकलाल की कुटिया में आ गया। बेटा मेहंदी, ये किसकी करामात है? केशव की। बेटा तू मेरे लिए एक मटका पानी लेके आ, मेरा मतलब एक लोटा पानी लेके आ। जा, जा। रसिकलाल, केशव की तू इस लीला को रामलीला में भेज दे तो ढेर सारे पैसे मिलेंगे मुंह फाड़ के। अब तो जुगाड़ हो गया बोतल का, बोल मटके बोतल का या आधी बोतल का, आधी बोतल का या पूरी बोतल का। कर दी कर दी कर आधी पूरी, आधी पूरी, आधी आधी, बोल मटके। जरा मटकी संभाल ब्रज बाला। मेरे 1580 लाला, ओ मेरे लाला, ओ मेरे, ओ मेरे, ओ मेरे लाला। बेटा तू इतना बेकार कारीगर कैसे हो गया? ये मटका बनाया तूने, ग्राहक दूर से भाग जाएंगे, मैं इसे फेंक कर आता हूँ। पहले मेरे 1580 रुपये दे दो ना। बापू, ये जहाँ था वहीं रख दे। बेटा ग्राहक भाग जाएंगे। मैंने कहा ना, जहाँ था वहीं रख दे। रखता हूँ, रखता हूँ। जब तक ये 6 फुटा अजूबा घर में है, मैं तो अजूबे को नहीं बेच सकता। कोई बात नहीं, मैं फिर आऊंगा। बेटा मैंने तेरे को कितना अच्छा नाच दिखाया, मुझे 50 रुपए दे ना। पहले मेरे 1580 रुपये दे दो ना। ये कोई कर्ज मांगने का तरीका है? बेटे के सामने बाप की कोई इज्जत नहीं, बदतमीज। बेटा दे ना, मैं तेरा कितना आज्ञाकारी बाप हूँ। देख मैंने मटका भी। अरे मटका गायब हो गया। अरे ये मटका कहाँ गायब हो गया? अरे छोड़ो, पता नहीं वो कहाँ चली गई। अरे जानकी, ये बेडोल सा मटका कहाँ से उठा लाई? दैया रे दैया, हमने तो ऐसा मटका ना ही अपने नैहर में देखा, ना ससुराल में। अरे मटके को छोड़ो, इसका चेहरा तो देखो, ऐसे खिला है जैसे इसके 7 रंग के सपने सच होने वाले हैं। अरे जानकी बताओ बताओ, कौन है वो? वही जिसकी माटी की खुशबू से मेरा जीवन महकने वाला है। देख बेटी, रेत बहुत चमकदार होते हैं, पर उसे माटी जैसे मटकी नहीं बन सकत। तो केशव से ब्याह करने की इच्छा को त्याग दे बेटा। ले देख, एक तू ही तो है माँ जिससे हम कुछ मांग सकत हैं। का अपनी लाजो को इतना भी नहीं दे सकत हो?
मगर हमार बात तो सुन ले बेटी। हमका कछु नहीं सुनना माँ, हम ब्याह करेंगे तो बस केशव के संग। बेटी त्योहार खातिर हम केशव से बात कर भी ले, पर उनका जिद को खा करे। जब तक मेहदी का ब्याह नहीं हो जाते, केशव ब्याह के लिए कैसे ना कर सकते बेटा। एक बात सुझाए माँ। का बोल? केशव हमसे चुटकी बजाते ब्याह कर लेगा अगर तू मेहंदी को अपनी बहू बना ले। अरे केशव, तू गांव के किसी ऐसी वैसी लड़की के पास नहीं जा रहा है, जानकी के पास जा रहा है, ऐसे कपड़ों में जाएगा? बात तो पते की है। ये कैसा लगेगा? ये भी ठीक नहीं है। अब कैसा है? नहीं चलेगा। हाँ ये ठीक है। केशव बेटा, क्या बात है तारा काकी? आज तुम्हारी तारा काकी बड़े शुभ काम की खातिर आई है। चल भीतर बैठ के बात कर लेते। चल आ जरा जल्दी बहू, कल बात कर लेंगे। सोच ले, मेहंदी के ब्याह संबंधी बात करे खातिर आई हूँ मैं। जल्दी आइए, आइए ना, आइए 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 आइए, बैठिए। केशव तू तो जानत है, जब से लाजो के बापू चल बसे हैं, तब से हमार बिटवा बिरजू और लाजो के लिए पिता भी हम हूँ है और माँ भी। बड़े बुजुर्ग कह गए बेटा, वो मूर्ख है जो आपन कुएं का पानी पराई नदी में फेंके। हम मेहंदी को आपन बहू बनाना चाहते बेटा, और सुन तू का भी कुंवारा नहीं रहना, मेहंदी जाए और लाजो इगर में बहू बन के आ जाए। देख केशव, हम मेहंदी खातिर शगुन भी लाए हैं। कहा सोचो तू? काकी, आजकल तो नकारा लड़के भी ऐसी लड़की चाहते हैं जिसमें कोई कमी ना हो। फिर जो दुबई में कमा रहा है वो मेरी मेहंदी से। अरे तू उसकी फिक्र ना कर, दुबई में रह के भी फिर जो हमार बिटवा है उसका हिम्मत ना ही क्यों ना कर दे। बस तू लाजो के लिए अपनी इच्छा बता दे। तारा काकी, मेरी एक ही बहन है, अगर मैं हाँ कह दूं तो उसके दिल में उम्मीद जाग जाएगी। आपका बेटा दुबई से आने के बाद कहीं उसका दिल ना तोड़ दे। तू काहे बिरजू की चिंता करत है? अच्छा सुन, अगर लाजो तो का पसंद है तो तू हाँ कह दे, तुम्हार तसल्ली खातिर हम बिरजू को दुबई चिट्ठी लिख के पूछ ले बे। वो मेहंदी के लिए हाँ कर दे तभी तू लाजो से ब्याह करना। अब तो मंजूर? मुझे मंजूर है। हम चलते हैं। नमस्ते। खुश रहे। इस तरह मटकती हुई नाचते खेलते आ रही है, वो भी खाली हाथ। कल जो 40 लहंगे ले गई वो क्या तेरा चिड़ीमार पति लेके आएगा? काका मैं काका
तेरे दिमाग में केसरिया रंग चढ़ गया है क्या? अरे किस पे बरस रहे हो? ये पारो धोबन, सेठ जी कहना छोड़कर काका कह रही है। अरे ये पारो नहीं है, ये तो लाजो है लाजो। हे भगवान, न जाने कब इनका दिमाग ठिकाने आएगा। लाजो है? जानकी घर में है काकी? हाँ बेटा, जा अंदर है। काका चलिए, कल के कपड़ों की रंगाई बाकी है, चलिए। ये गई जो, वो लाजो है। अभी चलिए भी। लाजो 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 लाजो। जानकी। अरे लाजो, तू तो आज सूरज की पहली किरण हो गई, इतनी सुबह सुबह। आ बैठ। बैठने का समय बिल्कुल नहीं है जानकी। बिरजू भैया के आने तक हमको और माँ को सारी तैयारी करनी है। कैसी तैयारी? हमारा लगन पक्का हो गया है। सच? हमारे लिए अच्छी सी सुहाग साड़ी बुन दोगी? अरे ये भी कोई कहने की बात है, ऐसे रुपहली साड़ी बनाऊंगी कि उसे देखते ही वो सातों जन्म के लिए मोहित हो जाएगा। पर एक बात तो बता, तूने उसे देखा है? बचपन से, तुम भी उसे अच्छी तरह जानत हो। अच्छा, किस गांव का है? इसी गांव का। इसी गांव का कौन है? केशव। जानकी पता है, हमारी रिश्ते पर गांव भर की लड़कियां जलमरी हैं। लेकिन तू अपने काम में कोई बेईमानी नहीं करना। माँ कहती है सुहाग साड़ी में एको धागा गलत बुन गया तो सुहागन का जोड़ा सही नहीं बनता। अगले हफ्ते साड़ी लेने आऊंगी। हाँ बेटा पप्पू, अपना घर तो बहुत दूर है और यहाँ कोई पहचान वाला भी नहीं रहता। जल्दी से कोई कोना पकड़ ले वरना पैजामा गीला हो जाएगा। पप्पू 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 जल्दी जल्दी बात, वरना किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। पप्पू मिल गया मिल गया मिल गया, खड़े बाजार का भगोड़ा व्यापारी मिल गया। अब कहाँ जाओगे कसौटी लाल? कसौटी लाल देखिए ये मत दिखा, एक एक नहीं 25 साड़ी के 1250 रुपए निकाल। 25 साड़ी देखिए मुझे एक मिनट। नहीं नहीं, इसके पहले भी मूलचंद से तूने चंद मिनट मांगे थे और चंद महीनों के लिए गायब हो गए। नहीं अभी निकाल 25 साड़ी निकाल, नहीं तो 1250 रुपए। घर में एक साड़ी पहनने वाली नहीं है और आप 25 साड़ियों की बात। देखिए आपने मुझे पहचान नहीं, मैं हूँ कसौटी लाल। कसौटी लाल देख, मूलचंद की कसौटी में अब तू खोटा साबित हो गया, समझा? देखिए 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 मुझे 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 अगर मैं नहीं भागा तो आपको भागना पड़ेगा। अच्छा मुझे भागना पड़ेगा? देख इज्जत से दे दे, इज्जत से दे दे, वरना मूलचंद अगर अपने मूल रूप में आ गया तो तुझसे रुपए वसूल करना एक मिनट का खेल है। देखिए मेरा वक्त सिर्फ एक मिनट का ही है। क्या? देखिए आज आपकी अच्छी आदर्श का शिकार मैं बन गया हूँ, मेहरबानी करके मुझे जाने दीजिए। ऐसे कैसे जाने दूंगा थाने चार। नमस्ते मामी जी। नमस्ते मामा। यहाँ तो पूरा मैदान खाली है। नहीं नहीं मैं तो ऐसे नहीं कर सकता। पप्पू बेटे शर्म नहीं आती तुझे कहीं पे भी? पप्पू बेटे बाहर जा, वरना इसे दौरा फिर से आ गया तो न जाने और क्या क्या रोकना पड़ेगा। भाग जा पप्पू, भाग जा, भाग जा पप्पू। ये मुझे देखकर भाग क्यों रहा है? मेहंदी, ए मेहंदी, देख दुबई से भैया की चिट्ठी आई है। हाँ? नहीं दूंगी तुझे मैं, नहीं दूंगी। तूने हमरे और केशव के बीच में साड़ी का पर्दा लगा दिया था ना, आज उसका बदला लूंगी। नहीं दूंगी। अरे मेहंदी रुक जा, गिर जाएगी।
गिर जाएगी। भैया की चिट्ठी आई है माँ। हमारे बिरजू की चिट्ठी आई है। चल पढ़ पढ़ पढ़। माय डियर मम्मी, मेरी प्यारी माँ। अरे ये तो अंग्रेजी में हिंदी लिखा है। सादर प्रणाम। जी सर। यहाँ सब ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग भी कुशलतापूर्वक होंगे। माँ तुम्हारी चिट्ठी मिली। सबसे पहले मैं केशव को धन्यवाद करता हूँ कि उसने मेरी बहन और माँ को सड़क पर आने से बचाया और साहूकार को अपने घर के रुपए देकर हमारा कर्जा चुका दिया। हाँ ये तो है बेटा। मैं आते ही रुपए लौटा दूंगा और ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है कि लाजू की शादी केशव से तय हो गई है। मगर मगर मुझे भी मेहंदी बहुत पसंद है। मेरे मेरे गांव पहुंचते ही हम शादी की तैयारी शुरू कर देंगे। आपका बेटा बिरजू। अब तो खुश है ना केशव? अरे मेहंदी देख देख शर्मा गई। पीछे हटो, पीछे 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 पीछे। हमारा बिट्टू आ गया, हमारा बिट्टू आ गया। बिरजू बिरजू। ए माँ तुम्हारी सूरतियाँ देखो, उनको हम तरस रहे थे बेटा। भैया। ए सिस्टर, माय डियर सिस्टर, कैसी हो तू? हाँ सिस। अरे सिस्टर बहन, बहन अंग्रेजी में सिस्टर, माँ मदर। माम मदर। कैसे ने बिरजू तू? मैं कैसा हूं? तुम लोग बदबू, सुधरोगे नहीं, तुम लोग सुधरोगे नहीं। ये क्या है? ये सेंट है सेंट, तुम नहीं समझोगे। इसे तो सुन के हमारे दिल मस्त हो गए। अच्छा तो ले तू भी क्या याद करेगा। अरे संभल के बिरजू, ईका खातिर तो पूरी बोतल भी कम है। अम्मा बैग भर के लाया हूं। अरे केशव कैसा है तू? यहाँ फॉरेन का सेंट है। अब गले मिल। ये दुबई में फुसफुस करने के बाद ही लोग गले मिलते हैं। अरे नहीं केशव, दुबई में रहकर बदबू की आदत छूट गई ना। ये मेहंदी है? हाँ। अरे तो वहां क्यों खड़ी है? यहां मेरे पास आजा आजा आजा। अरे आजा आजा आजा। ये ले। ओहो अरे केशव समझा इसे, अब हम रिश्तेदार हो गए हैं, ऐसे शर्माएगी तो कैसे चलेगा। बिरजू तू थक गया होगा, चल अंदर चल बेटा। जाओ भाई जाओ, सब अपने अपने घर जाओ।
एक का? सुहाग की साड़ी एक ही का लाया? अरे लाजो के लिए माँ, जल्दबाजी में एक ही तरह की दो साड़ियां मिल नहीं पाई। अच्छा माँ, मेरे लिए कोई अच्छी लड़की देखी कि नहीं? ये देख, दुबई मारे के बुलक्कड़ हो गया। देखी नहीं, सब कुछ तय हुई गवाह, बस ब्याह का तारीख पक्की करना बाकी है। अब तो आई गवाह है, वो भी हो जाए। भाभी बहुत गुणवान है भैया, रात को खीर खाए के देखना, हम उसी से बनाना सीखे हैं। अपने ही गांव की कोई लड़की है क्या? फिर मूर्ख जैसन बात कर रहा, केसों की बहन मेहंदी। क्या मेहंदी? माँ लगता है आपको मेरी चिट्ठी नहीं मिली, मैंने उसमें साफ साफ लिखा था कि मैं मेहंदी से शादी नहीं कर सकता। पगला गए का? चिट्ठी माँ तो तूने साफ साफ लिखा था कि मेहंदी तो का बहुत पसंद है। ये झूठ है माँ, मैंने तो खुले शब्दों में इनकार किया था। लाजो वो चिट्ठी लाके का पढ़ा तो अब वो दूध का दूध और पानी का पानी हुई जाए। अरे कहा सोच रही चिट्ठी तो ला। भैया तू हमरे खातिर भी मेहंदी से शादी नहीं करेगा? ये हमरे खातिर तुमरे खातिर क्या होता है, कोई मजाक है क्या? अरे जिंदगी भर का सवाल है, मैं तेरे लिए कोई गूंगी ब्याह के ले आऊं क्या? लेकिन केशव तो अपनी बहन के लिए हमसे ब्याह करने को तैयार है। अरे मतलब क्या है तेरा? मैं दुबई से इसलिए कमा करने लाया कि गूंगी से शादी करके अपनी खुशियों को अंधा बहरा लंगड़ा कर दूं। प्यारी बहनिया, अभी से अपने भैया को भुला दिया, तू अगर पक्की की जगह कच्ची मटकिया देकर मुझे मंडी भेजेगी तो मैं तेरे ब्याह का जतन कैसे करूंगा? केशव भैया वो बिरजू। क्या हुआ बिरजू को? अरे ब्याह के नाम पे उनका घर में झगड़ा हो रहा है। चिट्ठी गलत पढ़ी तूने, काहे काहे किया है सिंह, काहे? तेरी गलती से इतना बड़ा अनर्थ हो जाएगा, ये ना ही सोचा तूने? हे भगवान, अब केशव को कहां मुंह दिखाएंगे? आपका माफ कर दो माँ, अपनी खुशी पाने के मोह में हम अंधे हो गए रे। हम कभी मेहंदी जैसे अपने भैया पर भरोसा था। बेटा ये तो नादा नहीं कर बैठी, तू तो समझदार है, केशव हमारी इज्जत बचाई रही, तू क्या आबरू रख ले बेटा। और मेरी आबरू माँ? मैं भी छोटे से गांव का बिरजू नहीं रहा, मैं दुबई जाकर मेरी बड़े बड़े खानदान के लड़कों से यारी दोस्ती हो गई है, उनकी बीवियां हर तरह से पूरी हैं, और एक गूंगी लड़की से शादी करके मैं उनके सामने अपनी नाक कटा लूं? ऐसा मत बोल बिरजू, किसी अच्छी भली लड़की की शादी टूट जाए तो भी नए रिश्ते के लिए परेशानी होती है, और मेरी बहन तो बोल नहीं सकती है। इसीलिए उसे मेरे गले बांधना चाह रहा है तू? देख केशव, तूने जो हम पर एहसान किया है वो रुपया मैं सूद के साथ लौटाने को तैयार हूं, और हाँ अपनी बहन के लिए कोई और लड़का देख ले, अगर रुपया कम पड़े तो हम देने को तैयार हैं। सवाल रुपयों का नहीं है बिरजू, सवाल मेरी इज्जत और मेहंदी की जिंदगी का है। पूरे गांव को बताया कि तेरी और मेहंदी की शादी होने वाली है, ये बदनामी तो मैं सहन कर सकता हूँ लेकिन मेहंदी सहन नहीं कर पाएगी। तो क्या जिंदगी भर झेलूं उसे? इसीलिए दुबई से पैसे कमा कर यहां आया था क्या? देख देख, मैं देख सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ, हाथ पैर भी सही सलामत है। तू एक काम कर, अपनी इस गूंगी बहन के लिए कोई गूंगा पकड़ के उसकी शादी कर दे, या फिर कोई दूसरी तीसरी शादी वाला मर्द ढूंढ दे उसके लिए। मेरी बहन के लिए इतनी गंदी जबान निकाली तूने, तेरी मैं जान ले लूंगा। अबे जा, पागल समझ के इस गूंगी को मेरे खूंटे मारने आया था। क्या बोला तू? छोड़ दे उसे केशव। बोल। बोल। चल तू। चल। अरे होश में आ केशव, क्या गलत कहा बिरजू ने? कहां ये तेरी बहन, कहां वो बिरजू? बड़ा बेवकूफ है तू, दुनिया क्या पागल है, तेरी बहन के लिए त्याग करेगी? अरे लोग तो बोरियों में रुपया भरकर वह ढूंढते हैं, तू क्या मारपीट करके जबरदस्ती दूल्हा लाएगा? अरे अपनी बहनिया के ब्याह के लिए कोई अंधा या लंगड़ा देख ले। खबरदार इसके आगे एक भी शब्द कहा तो। अरे दूसरों का बाइश कहने वालों, पहले अपने आप को देखो।
बहुत जबान वाला बनता है ना तू। तेरी लगाई बुझाई से मुरली का परिवार बिगड़ गया। उसके बूढ़े माँ बाप की आत्मा दिन रात तुझे श्राप दे रही है। अरे ऐसी जबान से तो मेरी बहन का गुंगापन अच्छा है। और तू, तेरी आंखें है ना, तूने किसी बार अच्छी नजर डाली है? गांव की बहू बेटियों को नहाते वक्त छुप छुप कर देखता है। अरे ऐसी आंखों वालों से तो महान वो है जो अंधे हैं। और तू सुन सकता है, कुछ लोगों के कहने पर तूने अपनी बीवी को मार डाला जबकि वो निर्दोष और निष्पाप थी। अरे ऐसे सुन पाने से तो अच्छा है कि आदमी बैर आई रहे। तेरे हाथ पैर है ना, तेरे हाथों ने आज तक लूट और चोरी के सिवा कुछ नहीं किया। कभी गांव वालों ने तेरे पैरों को मंदिर के चौखट चढ़ते नहीं पाया, लेकिन भिक्षाओं की सीढ़ियां उतरते जरूर देखा है। कम से कम इस पाप से तो बचे जिनके पास हाथ और पैर नहीं होते। जिस दिन तुम्हारे अंदर का यह अपाहिजपन खत्म हो जाएगा, उस दिन मेरी बहन की कभी पर उंगली उठाना। और तू भी सुन ले, जिस घमंड से तूने मेरी बहन को ठुकराया है, उसी गुरूर से मैं भी एक वादा करता हूं, मेरी बहन की शादी होगी और तुझसे पहले होगी। यह केशव का दावा है। तो मैं भी कमजोर हो जाऊंगा। जो हुआ उसे यह सोचकर भूल जा कि वो कच्चे बर्तन थे जो अचानक बरसात आने से मिट्टी हो गए। तेरा ये भैया बिरजू से भी अच्छा दुला लाएगा तेरे लिए। जरूरत थी तो का गलत चिट्ठी पढ़ने की? तुम्हारा इतना भारी कसूर माफ करने लायक नहीं। हम तो ये समझ के पढ़े रहे माँ कि हमारे घर की खातिर भैया ये रिश्ता स्वीकार कर लेंगे। मैं उन भाइयों में से नहीं हूँ जो अपनी बहन की बेवकूफी को गले लगाकर जीते हैं। माँ, मैं कल ही भरतपुर जाकर इसके अपने रिश्ते की बात करके आता हूँ। तुमसे तो अच्छा केशव है जो अपनी बहना की खातिर खुद भी गूंगा बन जाता है।
वो बड़ी खुश नसीब होगी जिसे केशव मिले। ए, आज मेरी खुशी का अंदाजा है तुझे? मेरा केशव मुझे वापस मिल गया, मेरा प्यार, मेरी दुनिया है वो। लाजू ने उसे छीनना चाहा, लेकिन खुद खो बैठी। लाजू का नसीब हारा और मेरी किस्मत जीती। नमस्ते जोड़ीमल जी। नमस्ते। क्या मियां, किधर है भाई? अबे तो ऐसे गायब हुए ना जैसे भगोड़ी बीवी का मंगलसूत्र कागज जमे थे अभी तक। भाग्य के चक्कर में मेरी बहना के लिए कोई लड़का मिला। क्या बात कर रहे तुम्हें? अरे जोड़ीमल हैदराबादी की कोशिश कभी खाली हाथ नहीं जाती मियां। अगर आज तुम्हें नहीं आते तो मैं तुम्हारे पास आने वाला था। वो क्या है ना, कल एक बहुत अच्छा रिश्ता तुम्हारी बहन के वास्ते आया है। मेरे फोन पर सारी बात उन लोगों से हो गई। खानदानी है उन्हें, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन थोड़े गरीब हैं। भले गरीब हो लेकिन लड़का लाखों में एक होना चाहिए। अरे फिकर मत करो तुम्हें। और फिर ये जोड़ीमल हैदराबादी किस मसलब की दवा है मियां? कल या परसों जाको, सारी रिश्ते की मालूमात लेकर आता हूँ मैं। हो कल परसों नहीं, आज ही जाइए। मैं तो कहता हूँ अभी जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि अच्छा लड़का हाथ से निकल जाए। औले नको बनो पाशा, यहाँ जोड़ीमल का जोड़ बोल लिया है, तुम्हारी बहन का रिश्ता जरूर पक्का हो जाएगा। हो भगवान करे ऐसा ही हो। तो अरबों का हेर बेर करने वाले सात आठ हाथ देरी मुलजन लगा दे। सोमनाथ लगता है इसे फिर से भूलने का दौरा पड़ गया। सोमनाथ मेरे बिछड़े हुए भाई। बिछड़े हुए भाई? कितने वर्षों के बाद दिखाई दे रहा है ऋतु। रसिकलाल भूल की भूल का फायदा उठा ले। सोमनाथ काशीनाथ। सोमनाथ काशीनाथ। सोमनाथ काशीनाथ। सोमनाथ काशीनाथ। अबे गधे, बड़े भाई। अबे उल्लू, बड़े भाई। अरे इतने वर्षों तक कौन सी चादर ओढ़ी जो बड़ों का आदर भूल गया? चल पैर छो। सोमनाथ सोमनाथ। अरे बिछड़ने के बाद बिगड़ गया रे तू। चल घर चल घर। हाँ घर नहीं जाऊंगा। घर पे भाभी मुझे पहचान लेगी। यही तो मार खा गया ना रे तू। अरे सबका दिमाग मेरी तरह थोड़ी होता है। चल घर चल। गले लगा लिया, सर लगा लिया, अब घर चल। चल चल घर चल घर चल चल चल। सुभद्रा सुभद्रा देख 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 मेरा भाई मिल गया। देख 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 मेरा बिछड़ा हुआ भाई मिल गया। देख 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 बिछड़ा हुआ भाई मिल गया। भैया चल अपने भौजी के पैर छू। चल भौजी। ये सोमू नहीं है। क्या कह रही हो? दिमाग लगा कर देखो मेरी तरह। भैया भैया मुझे छोड़कर क्यों चला गया तारे? आपने मुझे गैस का गुब्बारा लेने के लिए 100 रुपए नहीं दिया था ना, इसलिए। इतनी सी बात के लिए तू मुझे छोड़कर चला गया? ले 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 ये पैसे ले, ये पैसे ले, ये अंगूठी भी ले। अरे अरे ये आप क्या कर रहे हैं? ये सोमू नहीं रसिकलाल है। चुप। हाँ खबरदार खबरदार, उस नशेड़ी दारूबाज से मेरे भैया को छोड़ दिया तो। भैया चल 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 अंदर चल चल। अरे छोड़िए ये, लाइए लाइए मुझे दे दीजिए। लाओ मुझे दे दीजिए। क्या कर रही हो तुम हमेशा मेरे भाई को घर से निकाल देती हो। चल चल अंदर चल चल। तुम भाभी के कहने का बुरा मत मानना। बैठ 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 बैठ। ये देख ये सारी जायदाद में तुम्हारा भी हिस्सा है। हाँ ये अलमारी देख। ले 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 ले। अरे अरे ये हमारी बेटी के ब्याह के लिए है।
तुम चुप रहो। ये कमरे में दादा के दादाजी का दिया हुआ धन है। अच्छा, अरे घर का भेद क्यों खोल रहे हो? मैं आखिरी बार कहता हूँ, तुम चुप रहो। उस अलमारी में देखो, कुछ गहने और नगद है। ले लो ले लो। देख देख, वकील बाबू से कहकर सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा। अच्छा, अब मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? नहीं भैया, लेकिन पहले भौजी को अंदर ले लो। चल चल। सुभद्रा, बाहर क्यों खड़ी हो? अरे रुक जाइए रुक जाइए, मैं बोलती हूँ रुक जाइए। ये अपने घर से कौन भागा? तुम्हारा सर। कौन था कौन था कौन था? किसकी साड़ी है ये? तुम्हारी साड़ी कांटों में उलझ गई है, तो निकाल दो ना। इतनी लापरवाही से क्यों सुखाती हो कि किसी से भी लिपट जाए? ये बदन पर हल्दी क्यों लगाई है? तुम्हें नहीं मालूम? ब्याह के वक्त लगाया जाता है। नहीं नहीं, ये वो हल्दी नहीं है। फिर जब कोई कुंवारी लड़की अकेले में अपने प्रेमी के बारे में सोचती है, तो शर्म से उसका बदन लाल हो जाता है। ये बात औरों को पता ना चले, इसलिए वो अपने बदन पर हल्दी मल लेती है। लेकिन तुमने तो मुझे बता दिया। तुमने पूछा तब बताया, दोषी मैं नहीं तुम हो। इसका पश्चाताप भी है। क्या तुम भी अपने मन की ऐसी ही कोई बात मुझे बता दो? वो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात है। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। जी चाहता है तुम्हें देखता ही रहूं। याद है एक दिन तुमने मुझ पर रंग फेंका था? वो रंग तो छूट गया, लेकिन एक रंग शायद कभी नहीं छूटेगा, तुम्हारे प्यार का रंग। मेरे मन में सिर्फ तुम्हारी मुराद है जानकी। लगन का न्योता और ये सुहाग साड़ी पसंद नहीं आया? ऐसा हमारी तकदीर कहा कि जो पसंद है उसे पा सके और नापसंद को ठुकरा दे? इसमें तो हर किस्मत के धागे हैं। मगर मैंने तो सिर्फ ये तुम्हारे लिए बुना था। नहीं जानकी, उस सुहागन की खातिर जिसके मांग मां केशव को सिंदूर भरना था, और ये सौभाग्य सिर्फ त्योहार है। हम तो भीतर ही भीतर अपनी पसंद की माटी गूंथते रहे, और जब उसने आकार लिया तो वो रूप केशव का था। हम मूर्ख कुम्हार की किस्मत को भूल गए रहे। जिन बर्तनों को हम बड़े जतन से बनावत हैं, अंतमा उन्हें ले कोई और जात है। हम केशव को पाना जरूर चाहते थे जानकी,
अगर किसी से छीन कर ना ही, सच पूछो तो केशव हमार कभी हुआ ही नहीं, वो सदा तुहार रहा है, उसको कभी खोना मत, और हाँ उसकी दुल्हन बनकर यही साड़ी पहनना, ताकि वो तुझे देखते ही सातों जन्म के लिए मोहित हो जाए, सातों जन्म के लिए। बेटा हम अब भी कहते तू ना जा, हम अकेले जाके तेरे ब्याह का नोटा केशव को दे आते हैं। मेरा जाना बहुत जरूरी है माँ, शर्त उसने बिरजू से लगाई थी, तुमसे नहीं। केशव, कैसे ना बेटा? ये ले मेरी लगन पत्रिका, तेरे वादे का शुभ अवसर तो अब तक आया नहीं, लेकिन मेरी शादी का मुहूर्त निकल आया। बहुत ही खूबसूरत लड़की मिली है मुझे, एकदम सुरीला गाती है, और उसका भाई तेरी तरह मिट्टी नहीं चांदी और सोना बेचता है। मुझे गर्व है अपनी मिट्टी पर, जब सोना चांदी इंसान का साथ छोड़ देते हैं तो यही माटी उसे संभालती है, और रही मेरे दावे की बात, वो आज भी अटल है। अटल तो बहुत कुछ है, तेरी अकड़, तेरी गरीबी और तेरी गूंगी बहन की फूटी तकदीर। नहीं बेटा, हम तो हाथ जोड़ते, चल बिरजू चल, चल। केशव, हम पिछले द्वार से इसलिए आए हैं क्योंकि आंगन का द्वार तूने हमारे लिए कभी नहीं खोला। कुछ ही दिनों में हमारे हाथ पीले हो जाएंगे, फिर राम जाने हम तुझसे मिल भी सकेंगे या नहीं। हमने भैया की चिट्ठी को जानबूझकर गलत पढ़ा था केशव, क्योंकि हम तुझे पाना चाहते थे। उस वक्त हमका ये नहीं मालूम था कि तू हमसे नहीं जानकी से प्यार करता है। तूने अपनी बहना के खातिर जानकी का प्यार भी त्याग दिया। कितनी खुश नसीब है मेहंदी, भगवान करे तो जैसा भैया हर बहना को मिले। हो सके तो मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना केशव। तेरी शिकायत जायज है मेहंदी, मैं तुझे जानकी के बारे में बता नहीं वाला था। ठीक है बाबा, इस गलती के लिए कान पकड़ता हूं बस, और एक बार चलो। वो तुझे बहुत अच्छी लगती है, वो आएगी तो ये घर स्वर्ग जैसा हो जाएगा। अरे पगली, पहले मुझे तुझे स्वर्ग जैसा घर देना है, मेरी आशा तो पूरी हो जाने दे। दस बीस तीस चालीस, गिनती भूल गया। क्यों रोक रही हो मेरा रास्ता? क्योंकि मुझको है तुमसे वास्ता। क्या मतलब? मटक कुमारी। मटक कुमारी? मटक कुमारी मेरी माँ। माँ? आज से 20 और 26 साल पहले आप मेरी माँ के साथ रामलीला देखने गए थे। आएगा, याद आएगा। रामलीला शुरू होने से पहले बारिश शुरू हो गई। फिर
बादल कचरे करके फिर बिजली चमकी। फिर क्या हुआ? और रामलीला से पहले आपकी प्रेम लीला शुरू हो गई। मैं उसी प्रेम लीला का नतीजा हूँ। लीला लीला सुशीला सुशीला मेरी माँ मरने से पहले मर गई। हाँ मर गई। उसके पहले मेरे हाथ पे ये लिख के गई। क्या? मेरा बाप फुलचंद है। क्या? मेरा बाप फुलचंद है। पिताजी यहाँ फिर कहाँ से आ गया? ये वो मैं नहीं। डर मत मूलचंद, मैं गांव में किसी से नहीं कहूंगा। लड़की को पालने से लेके ब्याह तक की जिम्मेदारी मेरी। तू हर महीने 2000 रुपए महीना जमा कराते रहना। 2000? क्यों, कम है क्या? नहीं ठीक है, ये ले ये ले, लेकिन उसे संभाल, मैं चला। 2000 दे दे। पहले मेरे 1580 रुपए दे दे। 1580 रुपए दे दे रसिकलाल। पप्पू तूने घोर पाप किया है। कैसा पाप? नर होते हुए नारी बनकर नर को ही ठग लिया। वो तो तुमने ही मुझे धमकाया था, ऐसा नहीं करने पर 1580 रुपया नहीं दूंगा करके। वो पाप तुमने मुझसे करवाया है। लेकिन भगवान बहुत दयालु है। आंखें मून और भगवान से माफी मांग। पाप 1 2 3 हो जाएगा। आंखें मून भगवान से माफी मांग। पाप 1 2 3 हो जाएगा। भगवान मुझे माफ कर दे जो कुछ किया रसिकलाल ने। ये मुझे फिर से उल्लू बना के चला गया। अब तेरा क्या होगा पप्पू? क्या है? लड़की को चिरता है। लड़की को चिरता है। नमस्ते जोड़ीमल जी। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है भाई, ये बेजान घोड़ा भी बिल्कुल असली घोड़े की तरह बनाते हैं तुम्हें। अभी ऐसा लग रहा है ना हिन हिना को मेरे पीछे दौड़ेगा इन्हें। कोई बात बनी? क्या बात बन गई, बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ भाई। तुम्हारा नसीब जाग गया और तुम्हारी बहन की किस्मत खुल गई भाई। ओ, ये जोड़ीमल हैदराबादी ने आखिर तुम्हारी बहन की जोड़ी पक्की कर दी ना। अभी तुम्हारा होने वाला जीजा और तुम्हारा समधी बाहर अपनी कार में बैठे हैं भाई। हा? तो उनको बाहर क्यों रोक दिया? अंदर बुलाइए ना। अभी लगवाता हूँ भाई, अभी लगवाता हूँ। आइए 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 बैठिए। मेहंदी जल्दी से लड्डू और रस ले आ मेहमानों के लिए। ये लड्डू मेरी बहन ने खुद अपने हाथों से बनाई है। खाना भी बहुत अच्छा पकाती है और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी काम के लिए उसे दोबारा समझाना नहीं पड़ता है। बहुत गुड़ी है लड़की। हा? अरे हमारा अशोक भी हजारों में नहीं लाखों में एक है भाई। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा खानदान है। अरे पूरे गाँव में इनका घराना बोले तो क्या घराना है भाई। लेकिन मेरी बहन के बारे में इनको जोड़ीमल ने हमें सब कुछ बता दिया है। बेटी और बहू तो लक्ष्मी होती हैं और वो चुपचाप घर में प्रवेश करे तो ही आनंद आता है। आहा, इस लक्ष्मी के लिए तो हमारी तरफ से हाँ है जोड़ीमल। बस हमारी लक्ष्मी के लिए ये हाँ कह दें जी। आपकी लक्ष्मी? अरे इतनी सी बात समझ में नहीं आती भाई। इन्हें बोले लक्ष्मी का मतलब थोड़ा सा जहेज। अरे 1 लाख नकद, 10 तोला सोना, लड़का बहुत पढ़ा लिखा है और ऊपर से एकलौता भी है, 1 बीघा जमीन का मालिक है इन्हें। अरे तेरी बहन जिंदगी पर राज करेंगी राज। इन ख्यालों में गुम हो गए मियां, जोड़ीमल हैदराबादी का जोड़ा पसंद नहीं आया क्या? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। जोड़ी तो इस घर में हम सबको पसंद है और आपकी शर्त पर भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अरे मुबारका मुबारका मिया। अरे मुंह मीठा करो भाई। हाँ, हाँ, हाँ।
अरे तुम भी लो भाई। बसंती सुना तूने? हाँ सुना भी और देखा भी। मेहंदी से अच्छी किस्मत तो हमारी है, हम तो मिट्टी के बने हैं बेजान, फिर भी लोग हमें ले जाने के लिए केशव को पैसे देते हैं। लेकिन मेहंदी तो इंसान है, उसे ले भी जा रहे हैं और पैसे भी मांग रहे हैं। अच्छा हुआ हम इंसान नहीं बने। हाँ ठीक कह रही तू। बहुत बड़ा खुशी का दिन है ना भाई, आज से आप दोनों समधी बन गए। लेकिन मेरी एक विनती है, यह शादी इस 22 तारीख से पहले होनी चाहिए। 22 से पहले क्यों, क्या बात है? बात सिर्फ मर्यादा की है, किसी ने मेरे सामने एक लकीर खींच दी है, अगर आप मेरा मान रख लेंगे तो मेरी लकीर उससे बड़ी हो जाएगी। लेकिन दहेज की फिक्र ना करें, वो आपकी अमानत है, परसों दिन निकलते ही मैं आपको सौंप दूंगा। ये बड़ी अच्छी बात है, पंडित जी से 22 तारीख से पहले का मुहूर्त निकलवा लेते हैं, अब हमें आज्ञा दीजिए। जी अच्छा। अच्छा भाई साहब, आप अपना वादा याद रखिएगा और 22 तारीख से पहले शादी करने की जिम्मेदारी हमारी है। हाँ नमस्कार। नमस्ते। अब तो खुश होना भाई। अरे धन्नो बाके चलना जल्दी हो रे, मेरी बहन का लगन तय हो गया है और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही राजकुमार मिला। अब देखना बिरजू की शादी से पहले मेरे घर में शहनाई बजेगी। जानकी मेरी बहन का रिश्ता तय हो गया, आज मैं बहुत खुश हूं। बहुत होना लड़का है, घर भी बहुत अच्छा है। तुम उसकी शादी में आओगी ना? आऊंगी नहीं, अपने हाथों से उसे दुल्हन भी बनाऊंगी। आज तुमने नीली साड़ी नहीं पहनी? सिर्फ यही पूछने के लिए आए थे। नहीं नहीं, वो मेहंदी कहती है तुम नीली साड़ी में बहुत अच्छी लगती हो, शरारती है ना, वो है तो घर में चहल पहल है। ससुराल चली जाएगी तो मैं अकेला हो जाऊंगा, घर भी सुना सुना लगेगा। माँ कहती थी जिस घर में औरत ना हो वो घर घर ही नहीं होता। तो किसी से शादी क्यों नहीं कर लेते? कौन करेगा मुझसे शादी? कहकर तो देखो, लाखों तैयार हो जाएंगे। आजी नहीं, लाखों नहीं, मुझे लाखों में एक चाहिए जिसके छूते ही मेरी माटी महक उठेगी, जो इन फूलों से भी खूबसूरत हो। कौन है वो खुशनसीब? तुम। केशव भैया, केशव भैया, अरे न जाने तुम्हारे बापू के पास इतना रुपया कहां से आ गया, वो शराब और जुए में लुटाया जा रहा है। ₹700 नंगा हो जा, चल। होता हूँ भाई होता हूँ, ये ले
और ये ले, बस हो गया ना खेल। केशव मियां, ओ केशव मियां, आ कर रहे अंदर। केशव मियां बाहर आ जाओ भाई। नमस्ते जी। नमस्ते। अंदर आइए ना भाई। जिस तरह आंगन घर की कहानी कह देता है, उसी तरह तुम्हारा चेहरा भी कुछ बोल रहा है। बोलो, सब कुशल तो है? जी, यहां खड़े होकर बातें करना ठीक नहीं है। आप लोग अंदर। क्या बात है कशव मियां, तुम्हारी झिझक हम लोगों के दिलों में तरह तरह के ख्याल पैदा कर रही है भाई। जो भी बात है साफ साफ बता दो। नोटों का इंतजाम नहीं हुआ क्या? नहीं जोड़ीमल जी, रुपयों का इंतजाम तो मैंने कर लिया था, लेकिन। लेकिन क्या? गहने और रुपए चोरी हो गए। अब मेरी इज्जत आपके हाथों में है। किस्सा खत्म। चलो जी, चलो। आप क्या कह रहे हैं जोड़ीमल जी, समझाइए इन्हें। अब समझाने में रखा क्या बाबा, आखिर ना कटवा दिए ना पे मेरी। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं जमीन बेच कर रुपया लाया था। इतना पवित्र संबंध पैसों के लिए तोड़कर मत जाइए। सिर्फ पैसों के लिए ही ये संबंध जोड़ा था, वरना तुम्हारी बहन में क्या रखा हुआ है? आप ही ने तो कहा था वो लक्ष्मी है। मैं वचन देता हूँ, जीवन भर आपकी गुलामी करूंगा, दहेज का पाई पाई चुका दूंगा। बहन गूंगी भाई ढोंगी, ऐसे घर में रिश्ता नहीं करना मुझे। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, भगवान के लिए रुक जाइए, मेरी बहन के सपनों को रोक कर मत जाइए। उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। भगवान के लिए रुक जाइए। सुनिए,
अरे देख कर नहीं चल सकते क्या? जिस घर में बेटे अपने बाप के पांव छुआ करते थे उस घर में बेटा अपने पिता पे हाथ उठा रहा है। अरे मारता क्यों नहीं? मार! बाबू तू यहां से चला जा वरना मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चल हट, बड़ा आया टुकड़े टुकड़े कर दूं वाला। पहले मेरी उस जमीन का टुकड़ा वापस लाके दे जिसे तू अपनी जायदाद समझ कर बेचा है। छत मेरी, जमीन मेरी, ये मकान मेरा और तू मुझे ही कहता है घर से निकल जा। आज मैं तेरे को घर से निकाल कर छोड़ूंगा, तेरे को मैं नहीं रखूंगा इस घर में। निकल जा तू, निकल जा। काल हाथ पर हूँ जाएगी। कहां से भागन मेरे घर में पैदा हो गई, तेरी वजह से मेरा अपना बेटा मेरा दुश्मन हो गया। अरे मर क्यों नहीं जाती तू? मर क्यों नहीं? बाबू! भाई! 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 तू मुझ पे आदमी है। भाई! अपने बाप को नहीं जाऊंगा। अरे भाई! भाई! कोई गूंगा पकड़ के उसकी शादी कर। सिर्फ पैसों के लिए ही यह संबंध जोड़ा था वरना तुम्हारी बहन में क्या रखा हुआ है? अपनी इस गूंगी बहन के लिए कोई गूंगा पकड़ के उसकी शादी कर या फिर कोई दूसरी तीसरी शादी वाला मर्द ढूंढ दे उसके लिए। बहन गूंगी भाई ढोंगी, ऐसे घर में रिश्ता नहीं करना मुझे। अपनी इस गूंगी बहन के लिए कोई गूंगा पकड़ के उसकी शादी कर। बहन गूंगी भाई ढोंगी। क्या बात है केशव, जाग क्यों रहा है? सोच रहा हूं पप्पू, किसी किसी के साथ वो इतना अन्याय क्यों करता है? सारा दुख उसने मेरी बहन की छोली में डाल दिया। सिर्फ एक कमी के कारण कोई उससे ब्याह नहीं कर रहा।
सबको सिर्फ अच्छे की भूख है। और तुझे? सब में और तुझ में कोई फर्क नहीं है किशन। तूने भी अपनी बहन के लिए सिर्फ राजकुमारी ढूंढा है। कोई गरीब सूरत तुझे कभी पसंद नहीं आई। तूने माटी से माटी को जोड़ने की कभी कोशिश नहीं की। खोल कर बोल पप्पू, मैंने तुझे घर की चौखट के बाहर कभी नहीं समझा। इसी बात का तो दुख है केशव, वरना तेरी नजर औरों की तरह मुझे भी देख पाती। मैं गरीब जरूर हूं केशव, लेकिन तुम्हारी बहन को ना सिर्फ दो वक्त की रोटी बल्कि बहुत सारा प्यार भी दे सकता हूं। मुझे माफ कर देना पप्पू, मैं तुझे समझ नहीं सका। इकलौती बहन है ना मेरी, इसलिए उसके प्यार में अंधा हो गया था। मेरी बहना के लिए तुझसे अच्छा पति और हो ही नहीं सकता। मैं कल ही तुम दोनों की शादी करा दूंगा। मुझे माफ कर दे। शिकायत जायज है मेहंदी, मैं तुझे जानकी के बारे में बता नहीं पाला था। वो तुझे बहुत अच्छी लगती है, वो आएगी तो ये घर स्वर्ग जैसा हो जाएगा। देख मेहंदी, जिद मत कर। तू क्या चाहती है, मैं मां को दिया हुआ वचन तोड़ दूं? मैंने मां को वचन दिया था कि जब तक तेरी शादी नहीं होगी मैं शादी नहीं करूंगा। मेहंदी, केशव, केशव, ए भाई,
मैं किसी की जान नहीं लेता रे, जा। केशव, 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 फिर मैं फांसी का फंदा लटका हुआ है और मेहंदी कहीं नजर नहीं आ रही है। सपना डोली में बिठाऊं तुझे, सुन मेरी बहना। हो तेरे इस भैया का बस ये है सपना, डोली में बिठाऊं तुझे, सुन मेरी बहना। चाहे तू मेरी जान ले ले भगवान, चाहे तू मेरी जान ले ले भगवान, मेरी बहना की दुनिया। मेरी बहन,
मेरी बहन की उम्र छू गई। अच्छा हुआ तुम आ गई जानकी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अगर जिंदगी में मैंने किसी की कल्पना की, किसी से प्यार किया, वो सिर्फ तुम हो। तुम्हें पाते ही ऐसा लगा कि जिंदगी की कमी पूरी हो गई है, लेकिन किस्मत ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो आज तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मेहंदी जीते जी जिंदगी में भी बहुत तकलीफ सही है, वो सब मेरे दिल में बसी है। अब प्यार की कल्पना करते ही एक लड़की की जिंदगी मेरे सामने आती है, जिसकी जिंदगी मेरे लिए मेरे प्यार से भी बढ़कर है। तुम खूबसूरत हो, तुम्हें कोई कमी नहीं, तुम्हें पति के रूप में उससे भी अच्छा इंसान मिल सकता है। लेकिन दुनिया में कितने ऐसे भाई होंगे जो मेहंदी जैसी बहन की शादी के लिए तरस रहे होंगे। अगर उनमें से एक की भी जिंदगी बचा सका तो मेरी बहन की आत्मा को शांति मिलेगी। केशव, मैं तुम्हें कभी भूल तो नहीं पाऊंगी, लेकिन रोकूंगी भी नहीं। ये प्यार का वो रंग है जो किस्मत वालों को मिलता है, और आज आज मैंने तुम्हें खोकर भी पा लिया। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौड़म ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम गजानन भूतगणादि सेवितम कपटजंबूफल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पादम। ओम स्वस्ति न इंद्रो दृढ़ सर्वा।